मुनि से छूट चुके हो, तुम कहां जाना चाहते हो बताओ। तो चंचुला देवी ने बिंदु का हाथ पकड़कर कहा, हमें ना तो बैकुंठ जाना है, हमें ना ब्रह्मलोक जाना है, हमें ना इंद्रलोक जाना है। चंचुला देवी कहती है, इसी मृत्यु लोक में जो कैलाश बसा है, इस कैलाश पर बैठकर हमें शंकर का गुणगान गाना है और कहीं नहीं। क्या करेंगे बैकुंठ में जाकर, वहां पर केवल डनलप का गद्दा मिलेगा, एसी का रूम मिलेगा, सोने और चांदी की थाली में भोजन मिलेगा, अप्सराएं तुम्हारा पंखा झेलेगी। होटल में बहुत दिन तक अच्छा नहीं लगता, घर ही अच्छा लगता है, बोलो सत्य है कि गलत है। तुम वीआईपी से वीआईपी होटल में चले जाओ, चाहे तुम बद्रीनाथ घूमने जाओ, चाहे तुम केदारनाथ घूमने जाओ, चाहे तुम रामेश्वरम चले जाओ, चाहे तुम द्वारका चले जाओ, वीआईपी से वीआईपी होटल में घूमना, चाहे तुम गोवा में चले जाओ, खूब जोरदार होटल में रहो, खूब चकाचक रहो, तुम्हारे लिए नौकर सर्वेंट लगा हुआ है, सामान लाला कर देगा। तुम कितनी भी वीआईपी होटल में 5 स्टार 10 स्टार जितनी स्टार हो सारी स्टार में रह लो, तुम तो मना नहीं, एक से बढ़कर एक होटल में रहो, पर 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना 22 दिन 25 दिन में तो घर की याद आई जाए। अब घर में ना तो होटल जैसा सुख है, घर में ना कोई अच्छा एसी का रूम है, घर में ना कोई नौकर लगा है तुम्हारा सामान लाके देने के लिए, घर में ना तुम्हारे को कोई कुछ कहने वाले, होटल में सारा सुख है, इसके बाद भी होटल का सुख थोड़े दिन अच्छा लगता है, बाद में घर की याद आती है। उसी तरह कोई भगवान विष्णु से जाकर पूछे कि नारायण तुम्हें बैकुंठ अच्छा लगता है, तो भगवान विष्णु कहते हैं, अगर बैकुंठ अच्छा लगता होता तो मैं राम अवतार नहीं बनकर आता, कृष्ण अवतार में नहीं आता, वामन अवतार रखकर नहीं आता, मैं कपिल अवतार रखकर नहीं आता, मैं परशुराम अवतार रखकर नहीं आता, मेरे 24 अवतार हुए हैं, भगवान नारायण खुद कह रहे हैं कि मेरे 24 अवतार इसलिए हुए हैं कि मुझे बैकुंठ में जो सुख नहीं मिलता वो मृत्यु लोक में आकर सुख मिलता है, इसलिए मैं पृथ्वी पर आना चाहता। तो फिर भगवान विष्णु से लक्ष्मी जी ने पूछा, तुम्हें पृथ्वी पे क्या सुख मिलता है, तो कि पृथ्वी पे एक सुख है, वहां कंकर और शंकर है, शंकर के बिना मैं अधूरा हूं, इसलिए तो शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान विष्णु भगवान शंकर जी से बोले, प्रभु बड़ा दुखी हूँ। शंकर जी ने पूछा, क्यों दुखी हो, तो भगवान विष्णु बोले कि मुझे आपके दर्शन नहीं होते, मैं कैसे आपके दर्शन करूं, तो शंकर भगवान बोले, तुम नीचे आ जाया करो मुझसे मिलने के लिए। भगवान विष्णु बोले, मैं नीचे तो आ जाऊं, पर जब मैं पृथ्वी पर आता हूं, चलता हूं, तो मेरे पांव में कंकर चुभते हैं, जो कंकर चुभते हैं ना वो मुझे शंकर नजर आते हैं, अगर कंकर में मुझे शंकर नजर आता है तो मैं पैदल कैसे चलूंगा। तो शंकर भगवान ने कहा, पैदल चलने का काम खत्म करो, तुम सांप बन जाओ, जब सांप बन जाओगे तो रेंग कर चलोगे, हर कंकर से चिपक कर चलोगे, तो शंकर और कंकर एक हो जाएगा। काय को चिंता करते हो, शंकर जी के गले में जो सर्प पड़ा हुआ है बड़ा सा, ये कोई दूसरा नहीं, मेरे भगवान विष्णु ने सांप का रूप धारण कर लिया और शंकर जी के गले में जाकर रहने लगे, शिव के गले में, तो ये सर्प विष्णु ही है। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, हर एक में वही दिखता है, तो अपन क्या करें। तो कहे ना, संगना चले तेरी कोड़ी दे।